नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। चक्रवाती तूफान ने रौद्र रूप दिखा दिया है, गुजरात के अंदर विनाश लीला शुरू। लेकिन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, 3 जिलों में कोयले के ढेर में आग लगने से विकट हालात। चक्रवाती तूफान बिपरजोय के असर से द्वारका, कच्छ और जामनगर में कोयले के ढेर में आग लगने की घटना सामने आई है। चक्रवाती तूफान से द्वारका, कच्छ और जामनगर में कोयले के ढेर में आग लग गई है, जिसके बाद समूचे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। देवभूमि द्वारका जिले के ओखा पोर्ट के बाद कच्छ जिले के कांडला पोर्ट पर रखे कोयले के ढेर में आग लग गई है। बाद में जामनगर में भी कोयले के ढेर में आग लगने की घटना हुई। तेज हवा के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल होने के बाद द्वारका जिले के ओखा स्थित जीएमबी पोर्ट में भव्य आग लग गई है। कोयला के स्टॉक यार्ड में आग लगने से धीरे धीरे इसने विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज हवा के कारण कोयले के ढेर में आग लगने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इसके अलावा कच्छ जिले के कांडला पोर्ट पर रखे कोयले के ढेर में भीषण आग लगी है। इस कोयले के ढेर के साथ अन्य पदार्थ के मिश्रित होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया है। कई दमकल गाड़ियों के सहयोग से आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई है। वहीं जामनगर में भी कोयले की ढेर में आग लगने की घटना के बाद उसे बुझाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज चल रही है कि दोस्तों आग बुझाने में काफ़ी ज़्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि चक्रवाती तूफान जिसने दोस्तों गुजरात के अंदर जमकर तबाही मचाई है, कल रात दोस्तों गुजरात से ये तूफान टकरा गया है और आज खतरनाक बारिश हो रही है। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कोयले के अंदर आग सुलग गई है और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां रवाना कर दी हैं। साथ ही अब यह तूफान राजस्थान में प्रवेश कर चुका है और राजस्थान के अंदर भी जमकर तबाही मचने वाली है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, भारी बारिश के चलते बाहर न